पितरों का मुक्ति धाम गया जी में 17 सितंबर से आयोजित पितृपक्ष मेला का आज नवा दिन। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अपने अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान श्राद्ध और तर्पण किया। चंदन कुमार सिंह ने बताया कि देश और दुनिया के वे तमाम लोग जो जाने अनजाने किसी आतंकी हमले में या दुर्घटना में या किसी भी महामारी से मारे गए हैं, ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं जो कि देश और विदेश में 2024 में हुई, इन सभी की आत्मा की शांति के लिए समाजसेवी चंदन कुमार सिंह ने एक सामूहिक तर्पण श्राद्ध और पिंडदान किया। उन्होंने बताया कि वे पिंडदान वर्ष 2001 से लगातार करते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत चंदन कुमार के पिता स्वर्गीय सुरेश नारायण ने की थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये विरासत उनके बेटे चंदन कुमार सिंह ने संभाली और लगातार कई सालों से ये सामूहिक पिंडदान करते आ रहे हैं। सभी जाने अनजाने लोगों के लिए पिंडदान और तर्पण किया करते थे, चाहे वो जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनका पुत्रवत होकर के। ये शास्त्रोक्त भी है कि इस गया फल्गु क्षेत्र में आप जिनको भी अपने पिता तुल्य समझते हैं या मानते हैं या दिल में रखते हैं, उनका श्राद्ध और आप तर्पण कर सकते हैं। ये श्राद्ध और तर्पण क्या है? भगवान से प्रार्थना है कि अमुक व्यक्ति को भगवान नारायण अपने शरण में लें, उनकी आत्मा को शांति हो, वो पीस ऑफ रेस्ट जो कहते हैं। ये 24 वर्ष बीत चुका है इस कार्य को, और हर वर्ष मातृनवमी पितृपक्ष को देवघाट फल्गु तट पर ही